वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. आपके सामने आज हमने रखी हुई है थर्ड बुक, टीएस ग्रेवाल सर की थर्ड बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब तक और बच्चे क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, हम थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं. हाँ, मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ. पहली चीज, आज डेट क्या है? आज है सर 18th of September 2020. बच्चे कह रहे हैं सर म्यूट कर दो. लो, मैं म्यूट कर देता हूँ पहले. मैं अभी आपके क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ सर, कौन कौन से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछना स्टार्ट भी कर दिया. कुछ बच्चे कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, सेकंड बुक का क्या होगा सर, क्या इसका नया एडिशन खरीदना है? फंडामेंटल नहीं हुआ. ओके, मैं आपकी सारी बातें समझ गया. अब आप मेरी बात सुनेंगे. आपके कोर्स में तीन बुक्स हैं बेटे. काम हमेशा प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ करना चाहिए. तो आपके यहाँ पे तीन बुक हैं. एक आपकी फर्स्ट बुक है, एक हो गई आपकी सेकंड बुक, और एक हो गई आपकी थर्ड बुक. मैंने थर्ड बुक आज स्टार्ट करूंगा मैं. उसके पीछे दो रीजन है सर. सबसे पहले तो ये इजी है बुक, और अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में इसकी वेटेज है 20 मार्क्स की. ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इजी चीज उठाने से बेनिफिट मिलता है. रीजन बीइंग, क्वेश्चंस छोटे छोटे होते हैं, आप सब बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. सेकंड बुक है आपकी कंपनी अकाउंट्स. मैं पूरा लिख देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013. बेटा ये आपकी सेकंड बुक है, कंपनीज एक्ट 2013. इसमें क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं. 40 मिनट्स की जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है, उस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा. अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ कराऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक क्लास में कवर करा सकूं. तो ट्राई करेंगे इन चीजों को हम फेस टू फेस डील करें, या मैं अलग से जब आपकी क्लासेस लेंगे. इसकी वेटेज कितनी है? सेकेंड बुक की भी वेटेज है 20 मार्क्स की. थोड़ा सा कंपनीज आपकी टेक्निकल पार्ट है, तो इसलिए टेक्निकल पार्ट अभी मैं पिक नहीं कर रहा. और फर्स्ट जो बच गई आपकी, फर्स्ट बुक में अगेन एक है एनपीओ और एक है आपकी पार्टनरशिप. एनपीओ की वेटेज है 10 मार्क्स की और पूरी पार्टनरशिप है 30 मार्क्स की. यानी सर 10 और 30 हो गए 40, और 20 60, और 20 80. 80 मार्क्स का आपका पूरा ओवरऑल सीबीएसई का एग्जाम है. उसको हमने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस में हम इजी पोर्शन कवर कर लेते हैं, और फिर फेस टू फेस क्लासेस में हम टेक्निकल चीजें कवर करेंगे. मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था, ये दोबारा से बता देता हूँ. कुछ बच्चों ने मुझे स्पेशली बोला है कि सर ये वाला चैप्टर आप करवा दो, बिकॉज हमारे एग्जाम्स में ये वाला चैप्टर आ रहा है. तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास अनाउंस करूंगा, बट वो क्लास होपफुली नाइट में हुआ करेगी. तो जो बच्चों को लग रहा है वो बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज मेरे साथ नॉर्मल बैचेस में चलेंगे. हाँ जी, ऑलमोस्ट मैंने बच्चों के डाउट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं. ओके, दूसरी बात हम आगे लिख के चलते हैं. बेटा ये जो लिखा है कंपनीज एक्ट, एक्ट का मतलब होता है लॉ, और लॉ का मतलब होता है कानून. ये कानून कब आया था? 2013, यानी अभी अभी रिसेंटली. हाँ बेटा, रात को कब लेंगे सर? जब रात हो जाएगी. बच्चे बस इधर उधर की ज्यादा लेट मत रखना बेटा, फोकस अब करो यहां पे. कंपनीज एक्ट
लॉ एक्ट को बोलते हैं कानून, और ये कानून कब आया था, 2013 के अंदर। इस कंपनीज एक्ट में आपकी सेकंड बुक भी कवर होगी और आपकी थर्ड बुक भी कवर होगी। इट मीन सर अभी तक आपने मेरे से पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट, जल्दी बताओ पार्टनरशिप एक्ट कब आया था। पूरी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, जल्दी बताओ पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया था। एक बच्चा कह रहा है 1932, बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं 1952, एक कह रहा है सर 1947 जब देश आजाद हुआ था। कितने अच्छे बच्चे हैं, पूरी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, 1932 इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत सारे बच्चों को पता था। बेटा जो देश आजादी की बातें कर रहे हैं, हाँ वो भी आजाद, जल्दी उन्हें भी आजादी मिलेगी। तो पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, बहुत पुराना था। ये लेटेस्ट है, ये कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। सर पुराना था इसलिए इजी था, जब मुश्किल लेटेस्ट आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ इसके बेसिक में आइडिया देता हूं, फिर हम फटाफट आएंगे थर्ड बुक पे। बेसिक आइडिया क्या सर, कंपनीज एक्ट दोनों बुक्स में एप्लीकेबल है? यस, दोनों बुक्स में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, यानी यहाँ की नॉलेज आपकी दोनों बुक्स में काम आएगी। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर हमने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनीज। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, धुंधला धुंधला हमें भी याद आ रहा है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं? आज बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। पहली तरह की कंपनी होती है जिसका नाम होता है प्राइवेट कंपनी। बेटा फर्स्ट कंपनी कौन सी होती है जिसका नाम होता है प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के अंदर, हाँ सब बच्चे बता रहे हैं हाँ वेरी गुड, पहली कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। इसमें मिनिमम 2 persons की रिक्वायरमेंट होती है, 2 लोगों की मिनिमम। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम अंशु कह रही है 50, पार्थ कह रहा है 7, दाक्षी 50, 50। कितने नलायक बच्चे हैं बेटा, पार्टनरशिप में भी 50 होते थे और कंपनी में भी 50 होते हैं। तृप्ति कह रही है 20, खुशी 100, प्रियांश 100, अभी तक एक बच्चा है सौरभ, उसका आंसर ठीक आया, बाकी बच्चे, अब कशिश कह रही है 150, बोली लगा रहे हैं। चलो सर आप ही बता दो, सब सार्थक का भी आंसर सही आ गया है। मिनिमम नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ बेटा। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज 200। पार्टनरशिप में होते थे बेटा 50। बच्चे कह रहे हैं अच्छा सर, हमने पहले ही कहा था 11th क्लास धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तो धुंधला धुंधले में उनको 50 और 100 याद आ रहा था। रेड पेन से इसलिए लिखा है बिकॉज MCQ आएगा 1 marker। बेटा MCQ आएगा इसलिए रेड पेन से लिखा है मैंने। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या है? आप पहचान देखो, कुछ इस तरह से लिखा होता है, जैसे लिखा है XYZ, लास्ट में लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। बेटा प्राइवेट वर्ड लिखा होगा लास्ट में, लिमिटेड उससे पहले क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इसकी पहचान होती है, एट द एंड ऑफ द नेम क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं P लिमिटेड, इसका मतलब भी क्या होता है? प्राइवेट। क्या सर हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा प्राइवेट लिमिटेड? यस, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। तो जिसके नाम के लास्ट में ऐसे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पी लिमिटेड, तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है? प्राइवेट कंपनी। मिनिमम चाहिए 2, मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं? 200। इन 2 लोगों को, ये जो 2 लोग होते हैं पार्टनरशिप में, आप इनको पता है किस नाम से पुकारते थे? आप कहते थे दीज आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं। बट कंपनी में आप पता है किस नाम से इन्हें पुकारोगे? इन्हें पुकारोगे आप शेयर होल्डर के नाम से, ये शेयर होल्डर्स हैं। हाँ, छोटी छोटी बेसिक बातें समझेंगे,
बेटा बेसिक बातें समझेंगे तो आपको आगे हेल्प होगी इस बुक के लिए। इसे क्या माना जाता है, शेयर होल्डर्स। आज बेस क्लियर कर लो। अच्छा दूसरी बात ये, हमने प्लान करा है कि हम कमिंग संडे आपकी क्लास लेंगे, यानी आज अगर आई थिंक फ्राइडे है तो सैटरडे संडे, संडे आपकी क्लास होगी। बेटा संडे वाली क्लास इम्पोर्टेंट होगी, लंबी क्लास लूंगा थोड़ी सी, उसमें बहुत सारा आपका कवर करा दूंगा बेसिक। चलो टाइम क्या होगा, एक्स वाई जेड सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। तो पार्टनर्स होते हैं मिनिमम, पहले पार्टनर्स बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स का मतलब होता है पर्सन पर्सन पर्सन, ऐसे लिख देता हूं, पर्सन होल्डिंग शेयर्स। शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। अब सर ये शेयर्स क्या चीज होती है, धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। जिनके पास शेयर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप के अंदर आपको मिलता था प्रॉफिट, पार्टनरशिप में मिलता था प्रॉफिट, मालिकों को क्या मिलता था, प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स भी मालिक होते हैं बट इन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता, इन्हें मिलता है, एक बच्चे ने बता भी दिया, इन्हें मिलता है डिविडेंड। सर ये डिविडेंड का क्या मतलब हुआ, डिविडेंड का मतलब सिंपल शब्दों में होता है शेयर इन प्रॉफिट। यानी सर हम कुछ टेक्निकल वर्ड सीख रहे हैं, सीधा प्रॉफिट बोलते तो क्या दिक्कत थी बेटा, सीधा प्रॉफिट बोलते तो पार्टनर्स होते, शेयर इन प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। तो जो जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। डिविडेंड को क्या बोला जाता है, शेयर इन प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो ये हो गया थोड़ा बहुत प्राइवेट कंपनी के बारे में। एक और कंपनी होती है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट कंपनी। बेटा गवर्नमेंट कंपनी ना आपकी बिजनेस स्टडी में है ना आपके अकाउंट्स में है, तो गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे MTNL, बेटा टेलीफोन का ये MTNL जो था ये गवर्नमेंट कंपनी है। हाँ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों को बिजनेस स्टडी याद आ गई, कह रहे हैं सर गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके अंदर 51% शेयर्स, यानी 50 से ज्यादा, 51% शेयर्स किसके पास होते हैं, हेल्ड बाय गवर्नमेंट। बच्चों ने बता दी इसलिए मैं आपको नॉलेज के लिए मैंने भी बता दिया, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें 51% शेयर किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास। मगर क्वेश्चन ये है सर, ये जो गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट कौन सी, मैं आपसे दो गवर्नमेंट की बात करता हूं, हमारे मोदी जी या हमारे केजरीवाल, बेटे कौन सी गवर्नमेंट है जल्दी बताओ। मोदी जी बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और केजरीवाल बैठे हैं दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट में, ये कौन सी गवर्नमेंट है। कह रहे हैं सर मोदी जी ही हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा नरेंद्र भाई, बच्चा कह रहा है नरेंद्र भाई, देख लो बच्चों नरेंद्र भाई जैसे, हाँ बिल्कुल लंगोटिया यार थे इनके, नरेंद्र भाई कल ही मिले थे इनके भाई। बेटा नलायको इसमें दोनों गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों के पास मिला के अगर 51% का शेयर है तो वो कंपनी कौन सी बन जाती है, गवर्नमेंट, जैसे MTNL। और आपने नाम सुना होगा BSES, और बताता हूँ नाम सुनो आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नाम से पता लग रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। और बताते हैं कोल लिमिटेड, बेटा ये सारे के सारे कौन से हैं, और भी हैं, एक रेलवे की आती है रेलवे, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। ठीक है सर हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, और आगे चलते हैं। हाँ ONGC, वेरी गुड बेटा ONGC, बहुत सारी हैं, ताक्षी ने बताया ONGC भारतीय। हाँ और चलते हैं थर्ड,
अब सर हमारे कोर्स में कौन सी है? तो बेटा हमारे कोर्स में पता है कौन सी है? अकाउंट्स के कोर्स में है, पब्लिक कंपनी। आज आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपको एक एग्जांपल है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी होती हैं? हाँ मैं सिर्फ प्रेक्षा में आपको बस थ्योरी बता रहा हूँ, पब्लिक कंपनी तो कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ। एक और कंपनी मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, टाटा लिमिटेड। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी होती हैं? किंगफिशर एयरलाइंस, जिन ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस। आप इनमें कॉमन बात देखो, इनमें पता है लास्ट में क्या लिखा है? इनमें लास्ट में लिमिटेड लिखा है, कहीं भी प्राइवेट नहीं लिखा। तो पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके लास्ट में क्या होता है? लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। किंगफिशर क्या बनाती है सर? किंगफिशर क्या बनाती है? किंगफिशर बनाती है, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता है, पानी। हाँ बेटा पानी होता है वो एकदम। रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, ये कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी। और आपके अकाउंट्स में ये ही आएगी, पब्लिक कंपनी। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है एक पब्लिक कंपनी बनाने में मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? सर 7 लोगों की आवश्यकता होती है। 7 पीपल्स आर नीडेड टू मेक अ पब्लिक कंपनी। दीज ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। इनको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम कितने होते हैं? अब आप बताओ एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं? हाँ, सौम्या जैन नंदनी, इन्फिनिटी अक्षर। वेरी गुड बेटा, 50 नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब होता है इन्फिनिटी। ये मैंने मैथ्स का साइन बना दिया। मैक्सिमम सर कोई लिमिट ही नहीं होती बेटा, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी शेयर होल्डर बन जाओ। जैसे मैं हमेशा रिलायंस का एग्जांपल लूंगा आपके साथ, क्योंकि तो सर रिलायंस कंपनी के मेरे पास शेयर्स हैं। हाँ वो क्या होते हैं वो मैं सब आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो रिलायंस कंपनी का जो ओनर है वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का एक और भाई भी है, उसका नाम है अनिल अंबानी। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर इनका एक बेटा भी है, एक मोटा सा बेटा। बेटा वो मोटा बेटा था, अब वो पतला हो चुका है। तो ऐसे मुकेश अंबानी ने कुछ पैसे लगाए, अनिल अंबानी ने कुछ पैसे लगाए, यानी यहाँ पे ये क्या करने जा रहे हैं? इनको पैसों की जरूरत है। इसके अंदर पैसा मुकेश अंबानी ने लगाया, अनिल अंबानी ने लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर पता है पैसा कौन लगाता है? बेटा हम सब लगाते हैं, आम जनता। यानी इसके अंदर पैसा किसने लगाया है? पब्लिक का। ये देखो आप, यानी सर इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। कुछ पैसा अंबानी का है और कुछ पैसा किसका है? हम आम जनता का। और इस पैसे से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मुकेश अंबानी के अंदर भी, अनिल अंबानी को और पब्लिक को। और उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। रेड पेन हमेशा ध्यान रखना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलायंस ने पैसा किससे ले रखा है? पब्लिक से ले रखा है। यानी रिलायंस कंपनी का मालिक जो है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उन्होंने पैसा हम सबसे भी ले रखा है, पब्लिक से भी ले रखा है। और जब पैसा आम जनता का आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर कानून भी आ जाता है। कौन सा कानून है? कंपनीज एक्ट 2013। बेटा ये कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। ये कानून पता है किस पे लगता है? ये इस रिलायंस पे लगता है।
ये कानून कहता है इस रिलायंस कंपनी से, तुमने पैसा किससे लिया? आम जनता से तुमने पैसा लिया है, ये बहुत भोली भाली जनता है। तुमने अगर इसके पैसे का मिसयूज करा तो बीच में कौन है? बीच में हम हैं, कानून है। तो बेटा आपके पैसे की सेफ्टी कौन करेगा? ये कानून करेगा। और कुछ बच्चों को पता होगा बिजनेस स्टडी में एक और कानून है जिसका नाम है सेबी, शायद आप बच्चों ने नाम सुना हो। ये दोनों कानून सुना है सेबी? सेबी की फुल फॉर्म होती है, हाँ यस सर, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। बेटा सेबी की फुल फॉर्म थोड़ी सी गलत हो गई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि सर मेरा भाई है वहां पे, मेरे अंकल भी वहां पे काम करते हैं। अच्छा, तो ये दोनों कानून आपके पैसे की सेफ्टी करेगा, क्योंकि आपने अपना पैसा किसको दे रखा है? आपने अपना पैसा दे रखा है रिलायंस को। तो ये होती है पब्लिक कंपनी। आगे चलते हैं, फोर्थ लास्ट खत्म, हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है, रिलायंस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो बेटा गूगल वूगल में रिलायंस के बारे में कलेक्ट कर लेना, मेरे लिए इजी हो जाएगा आपको रिलायंस के बारे में समझाना। सर अभी अभी 2013 में ये जो कानून है, ये कानून एक नई कंपनी लेके आया है, उसका नाम है 1% कंपनी, उसका नाम है 1% कंपनी। ये एक नई कंपनी आई है, ये कंपनी सिर्फ आपके लिए थ्योरेटिकल है, आपके कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ना है आपने इसका। 1% कंपनी क्या होती है? नाम से पता लग रहा है 1% चाहे तो वो कंपनी खोल सकता है। जैसे ये जो एक पर्सन है दैट शुड बी नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल का मतलब होता है हम सारे लोग, हाँ वन मैन आर्मी। नेचुरल पर्सन होना चाहिए जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल या उससे ज्यादा। बेटा अब नई चीज आ गई है कानून में, एक अकेला पर्सन कंपनी खोल सकता है। नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। सर आर्टिफिशियल का मतलब, बेटा शिरडी के साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा क्या 1% कंपनी खोल सकते हैं? नो, बिकॉज वो नेचुरल नहीं है, वो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे अब बोल रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं वैष्णो देवी में जय माता दी, सब बच्चे बोलेंगे जय माता दी, मन में बोलना है, क्या जय माता दी 1% कंपनी खोल सकती है? नहीं खोल सकती। क्यों? वो भी नेचुरल पर्सन नहीं है, वो सारे कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो बेटा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जैसे हम इंसान हैं, हम खोल सकते हैं, प्लस इंडियन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप पता है कैसे मिलती है? आधार कार्ड से मिलती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इंडिया की क्या कहलाओगे? सिटीजनशिप। तो यानी इंडिया का ही पर्सन 1% कंपनी खोल सकता है, उसके पास इंडिया की क्या होनी चाहिए? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे आती है? आधार कार्ड से। अक्षय कुमार, बेटा अक्षय कुमार नेचुरल पर्सन है, सिटीजनशिप है उसके पास, वोटर आईडी आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप 1% कंपनी खोल लोगे। और बताते हैं आपको लास्ट खत्म, बेटा बस इतनी ही थ्योरी पढ़नी है, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। बेटा इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर अक्षय कुमार के पास इंडिया का आधार कार्ड नहीं है। बेटा मेरा उस बच्चे से एक क्वेश्चन है, क्या आपने अक्षय कुमार का आधार कार्ड देखा है? वो कह रहा है सर वो कैनेडियन है, उसके पास कैनेडियन की सिटीजनशिप है। फॉरेन में नहीं होती बेटा, इंडिया का आधार कार्ड, इंडिया में कंपनी। लास्ट क्या लिखा है? रेजिडेंट इन इंडिया। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंडिया में वो रहता हो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, नेशनल इनकम में यही वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ोगे, रेजिडेंट कौन होता है इंडिया का, जो 182 डेज, बेटा साल में 365 डेज होते हैं, जो 182 डेज और उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहता है, 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स में आपको सबको गलत पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन कुछ और पढ़ाई जाती है। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं यही बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स में वो चीज गलत पढ़ाई जाती है। आपके सामने सबसे बड़ी हेल्प है गूगल। इकोनॉमिक्स में बोला जाता है 1 ईयर, 11 मंथ्स, 365 डेज। बेटा गूगल में चेक कर लेना रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है, वो बताएंगे 182 डेज और मोर। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप रेजिडेंट हो, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो इंसान 1% कंपनी इंडिया में खोल सकता है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, हम बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी की बात। पहली बात, क्या मोदी जी नेचुरल पर्सन है? सो आंसर इज यस, नेचुरल पर्सन है। क्या उनके पास इंडिया का आधार कार्ड होगा? बेटा मैंने देखा तो नहीं है, मगर होगा, इंडिया का आधार कार्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, क्या सर वो इंडिया में 182 डेज और उससे ज्यादा, एक साल में इंडिया में इतने डेज रहते हैं, सोच के बताना, क्या बच्चों वो इंडिया में इतने डेज रहते हैं? नंदनी कह रही है, नो नेहा कह रही है, नो तृप्ति अग्रवाल, नो। बेटा ऑलमोस्ट हमारे मोदी जी टूर पे रहते हैं, कभी चाइना के टूर पे, कभी कनाडा के टूर पे, कभी अमेरिका, तो टूर्स पे रहते हैं, इसका मतलब वो 182 डेज नहीं रहते। तो ये वाला आंसर हो गया नो, इसलिए मोदी जी 1% कंपनी नहीं खोल पाए। तो ये आपको मैं मतलब समझाना चाहता था कि 1% कंपनी थ्योरी में ये बातें आपको लिखनी है, बस इतना ही करना है। कोर्स में आएगी पब्लिक कंपनी। हाँ हमारे पैसे, बच्चे कह रहे हैं बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। हाँ कह रहे हैं सर हमारे टैक्स के पैसे से घूम रहे हैं सब लोग। अब ये आ गई बुक, बेटा ये बुक 2020 का एडिशन, सोल प्रोप्राइटर बेटा 11th में होता था कशिश, वो बिजनेस खोलते थे और ये कंपनी अब 1% कंपनी खोल सकते हैं। बहुत दोनों में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखो जरा बेटा, हमारे वहां पे जब इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएगा तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा एक चीज। हमारे वहां इंस्टीट्यूट के वहां पे कृष्णा नगर में इंस्टीट्यूट के बाहर शाम को 7 बजे, बेटे डरने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बच्चे घबरा रहे हो, मैं आराम से बता रहा हूं, शाम को 7 बजे एक गोलगप्पे वाले की रेडी जाती है, उस पे गोलगप्पे भी मिलते हैं, उस पे टिक्की भी मिलती है। तो ये गोलगप्पे वाले की रेडी जा रही थी, हमारे गौरव सर को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो उन्होंने इस रेडी को रोक लिया गोलगप्पे खाने के लिए। मैंने देखा गौरव सर तो गोलगप्पे खाने में इन्वॉल्व थे, पूरे मस्त होके खा रहे थे। मैंने देखा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, बेटा इस रेडी के ऊपर नाम लिखा हुआ था, इसका लिखा हुआ था T2 गोलगप्पे। T2 गोलगप्पे वाला और आगे लिखा हुआ था कंपनी, T2 गोलगप्पे वाला कंपनी, ऐसे करके इसके बोर्ड पे नाम लिखा था, T2 एंड कंपनी, T2 गोलगप्पे वाला कंपनी। हाँ परीक्षा कह रही है, चलो बताएंगे बेटा, पहले ये बताओ ये जो रेडी है इसके ऊपर ये जो नाम लिखा हुआ है, आप बच्चे मुझे बताओगे, मैंने आपको 4 कंपनीज बताई हैं, ये चारों में से कौन सी कंपनी है, T2 एंड सन्स, गोलगप्पे एंड कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, फटाफट आंसर बताओगे।
हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये 1% कंपनी है, 1% बच्चे कह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड है 1%, ओपीसी कंपनी है। हाँ बेटा पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, सब बच्चों आप सब बच्चों के आंसर गलत हैं। आप ये सोच रहे हो कि अकेला T2 है इसलिए 1% कंपनी है। बेटा कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाती, कंपनी के लास्ट में पता है क्या वर्ड होना चाहिए, कंपनी के लास्ट में लिखा होना चाहिए लिमिटेड। आप अगर अपना नाम हनुमान जी रख लोगे तो क्या आप हनुमान जी बन जाओगे? नहीं सर, इसलिए कंपनी के लास्ट में क्या होना चाहिए, लिमिटेड। जिसके आगे लिमिटेड लिखा है वो ही कंपनी होती है। आप चेक कर लो, मैं आपको चेक करा देता हूं। देखो पब्लिक के भी लास्ट में क्या लिखा था, लिमिटेड, और चेक करो आप प्राइवेट कंपनी के भी, देखो लास्ट में क्या लिखा है, लिमिटेड। ऐसे ही गवर्नमेंट के भी लास्ट में क्या लिखा होता है, लिमिटेड। सब चेक करो, 1% कंपनी के भी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लिमिटेड। हर कंपनी के लास्ट में लिमिटेड होता है। इसका मतलब कंपनी लिखना बेटा इनको पता नहीं होता, ये सोचते हैं हमारी कंपनी खुल गई, खुश होते हैं। कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाती, लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ता है और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये T2 टिक्की वाला जो भी था, गोलगप्पे वाला, ये कंपनी नहीं है, बिकॉज लास्ट में क्या होगा, लिमिटेड। बच्चे कह रहे हैं सर एक ही तो है T2 वाला, आप बिना सर इतनी टेक्निकल बातें करते हो, गोलगप्पे खाओ एंजॉय करो लाइफ को, ये 1% कंपनी नहीं है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कंपनीज के बारे में। दूसरी चीज जो मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है, मैं बुक आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं बेटा बिकॉज बुक का नाम आराम से पढ़ लो, क्या लिखा है, एनालिसिस। हाँ बेटा ये कंपनी नहीं है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बुक का नाम है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम अगर समझ आ जाएगा तो आपको अंदर के कंटेंट्स भी समझ आ जाएंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013, इसका मतलब सर कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना है हमें, जो आपने पढ़ाया वो ही पढ़ना है। सर ये क्या लिखा है इसके अंदर, शेड्यूल थर्ड, ये मुझे बताना है सर ये क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको ये बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अगर हमें ये पता लग जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो बस आपने क्या करना है इस बुक में, इसका एनालिसिस करना है। आपको बस समझ आना चाहिए सर क्या होता है, तो बात हमारी खत्म, बुक खत्म हो जाएगी अगर आपको ये पता लग जाए। कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया, उन्होंने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है क्या होती हैं, मैंने कहा बताओ क्या होती हैं। बच्चों ने बताया कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबसे पहली होती है बैलेंस शीट, बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर। और हमारा तो बचपन बीत गया बैलेंस शीट बना बना के, वो बात अलग है, आज तक टैली नहीं करी, बट क्या बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है? सो आंसर इज यस। बेटा पूरी बुक खत्म हो जाएगी अगर ये समझ आ गया तो। सर प्रॉफिट एंड लॉस, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ सर 11th में हमने ये भी बनाया था, क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है? यस। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा खत्म हो चुका है, अब P&L अकाउंट बनता है। और मैं आपको बताऊं इस P&L अकाउंट का भी नेम चेंज हो चुका है, इसको पता है क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये 1 marker क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पार्टनरशिप में बनाते थे, कंपनी पता है क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। MCQs सारे याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में 11th क्लास में। बेटा 12th में कंपनी के अंदर क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। और आगे चलते हैं बात,
पहला हो गया बैलेंस शीट, दूसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तीसरा मैं आपको बताता हूं एक बनाना है इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स। सर ये क्या चीज है, यही तो सीखना है आपने, यानी नई चीज आपने सीखना है कि सर ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं। सर कुछ और भी नया है, हाँ एक और चीज है इसमें नई, वो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी सर ये सारे की सारी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस मुझे आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखानी है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, थोड़ी बहुत नई चीजें हैं। बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती, एक बच्चा कह रहा है सर रेशो, सिर्फ ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फिफ्थ नंबर पे एक और चीज होती है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं हम लिख नहीं रहे कि आप बच्चे कंफ्यूज मत होना, वो आगे चल के सीए की क्लासेस में आपको पता चलेगा। 12th में कितनी चीजें हैं, चार चीजें, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड वाला क्या है, फोर्थ क्या है, ये सब बताना है आपको डिटेल में। आज तो बस पहली क्लास है, मैंने तो अभी कुछ समझाया ही नहीं। बच्चा कह रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने तो सिर्फ नाम लिखे हैं, अभी मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये होती हैं। और याद करो बुक पे पता है क्या लिखा था, दोबारा से बुक दिखानी पड़ेगी आपको। अच्छा क्लियर नहीं है स्क्रीन, बुक में लिखा था एनालिसिस, यानी आपने इन स्टेटमेंट्स का क्या करना है, एनालिसिस करना है। और एनालिसिस का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, गहन अध्ययन करना है। हाँ मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, गहन अध्ययन करना है इन चीजों का। तो यहां से हमारी थर्ड बुक स्टार्ट हो जाएगी। बेटा 2 मिनट रह गए मीटिंग के अंदर, एक बात याद रखना, संडे हम क्लास लेंगे जिसमें मुझे बहुत मेजर पोर्शन कराना है आपका, तो डोंट ट्राई टू गिव एनी एक्सक्यूजेज एंड डोंट मिस द क्लास। मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड टाइम है 12 नून, 12 नून एक्सपेक्टेड टाइम है, मैं इसमें क्लास लूंगा। क्लास की मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप बेटा आज रीज्वाइन नहीं करना, आपने आज रीज्वाइन नहीं करना, बस आपने इतना ही आज करना है। और आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय ऑल ऑफ यू।